भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा का मानना है कि सूचना अधिकार कानून में संशोधनों के बाद भी इसकी धार कुंद नहीं होने वाली। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह से बातचीत में सत्यानंद मिश्रा ने कहा कि बीते 8 साल की तरह ये कानून आगे भी प्रभावी भूमिका में रहेगा। सर, ये RTI के 8 साल हो गए और आज भी प्रेसिडेंट साहब ने जो है आपका नाम लेके खासतौर पर उन्होंने अप्रिसिएट किया आपके कामकाज को। इस बीच में कई काम हुए सर, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है हमें कि जो ऑनलाइन जो RTI है, ये जो ऑनलाइन है सर, उसका क्या असर आपके हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं हुए? नहीं, ऑनलाइन का थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट पहले MCD दिल्ली ने की थी, कुछ अच्छे उसका परिणाम हुआ था। तो अब जबकि DOPT पूरे सरकार में इसको फैला दिया है तो मुझे लगता है कि इसका अच्छा असर होगा। सर, एक चीज़ जो सामने उभर कर आ रही है कि अभी भी जो RTI जो यूज करने वाले जो लोग हैं वो गाँव में बहुत कम लोग हैं अभी भी। उसको गाँव के लोगों को और जागरूक बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? मीडिया के माध्यम से, विशेष करके जो आपके सरीका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसी का सबसे ज़्यादा पहुंच है, तो उसके माध्यम से RTI से क्या लाभ हो सकता है उसका बारे में यदि कोई जानकारी लोगों के पास पहुंचेगा तभी यूज करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि 8 साल का जो सफ़र रहा कैसा रहा और आगे क्या करने की ज़रूरत है? बहुत RTI का जो 8 साल, ये बहुत ही सफलतम 8 साल रहा है। मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें 8 साल में इतने ज़्यादा उपलब्धि हो सकता है। अब भारत सरकार के अंतर्गत ही लगभग 10 लाख के लगभग RTI एप्लीकेशन लगते हैं। आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि कितने भारी तादाद में लोग सूचना मांग रहे हैं। सरकार के अंदर धीरे धीरे खुल रहा है, ऐसा सरकार के सारे बंद पिटरा खुलने का जो एक चालू हो गया एक सिलसिला, ये एक बहुत ही अच्छा शुरुआत है। मुझे लगता है कि ये आगे ये जो खुला है ये एकदम बाढ़ के तरह सूचना के मांग होगा और सूचना निकल के भी जाएगा, तो इसलिए भविष्य तो मुझे बहुत उज्ज्वल दिख रहा है। कई लोग कहते हैं कि RTI एक्ट के संशोधन होगा, फलाना होगा, लेकिन उससे मुझे कोई खास डर इसलिए नहीं लगता है कि जनता इस कानून को अपना लिया है। एक बार जनता कोई कानून को अपना ले तो उसके हाथ से कोई छीन के नहीं निकाल सकता इसको, इसलिए मेरे को तो बहुत ही मैं आशावादी हूँ इसके भविष्य के बारे में। थैंक यू सर।